दोस्तों, क्रिकेट खेल से जुड़ी ना जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक सुलझाया नहीं जा सका। खिलाड़ियों के द्वारा आत्माओं के होने का दावा करना, ड्रेसिंग रूम में भूतों को देखने का दावा करना, या फिर इंग्लैंड के होटलों में रहस्यमयी घटनाओं का दावा करना, क्रिकेट खेल से जुड़े ये कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य रहे जिन्हें आज के साइंटिफिक युग में लाख कोशिशों के बावजूद भी सुलझाया नहीं जा सका है। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में क्रिकेट खेल से जुड़ी एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना का हम आपसे जिक्र करने वाले हैं, जिसके पीछे की हकीकत आज तक अनसुलझी ही है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बॉब वुलमर मर्डर मिस्ट्री की, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। बॉब वुलमर, जिनकी मर्डर मिस्ट्री को कभी सुसाइड का नाम दिया गया, कभी हार्ट अटैक, तो कभी जहर देकर वुलमर को मारने की बात भी क्रिकेट जगत में खुलकर करी गई, लेकिन इन सब दावों और अनिश्चितताओं से परे 18 मार्च 2007 को मिली बॉब वुलमर की लाश आज तक अनसुलझी रहस्यमयी घटना ही बनी हुई है। दोस्तों, अगर बात करें वुलमर के शुरुआती जीवन की, तो उनका जन्म 14 मई साल 1948 को भारत के शहर कानपुर में हुआ था। वुलमर के जन्म के बाद ही उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया और इंग्लैंड में कैंट स्कूल की तरफ से खेलते हुए वुलमर ने अपने स्कूली क्रिकेट करियर का आगाज किया। स्कूल क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद वुलमर साल 1975 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी शामिल हो गए और साल 1975 से साल 1981 तक चले अपने इंटरनेशनल क्रिकेट सफर में बॉब वुलमर एक एवरेज ऑलराउंडर के तौर पर 19 टेस्ट और 6 ओडीआई मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने में कामयाब रहे। क्रिकेट से एक खिलाड़ी के तौर पर विदाई लेने के बाद बॉब वुलमर क्रिकेट कोच की भूमिका में उभर कर क्रिकेट जगत में कार्यरत हो गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉब वुलमर ने अपनी कोचिंग साउथ अफ्रीकन टीम के साथ शुरू की और इसके साथ ही वुलमर अपनी कोचिंग के तरीकों में नए नए आयाम विकसित करते चले गए। बॉब वुलमर ही वह पहले ऐसे कोच थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों की रणनीति समझने के लिए कंप्यूटरीकृत उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। ईयरपीस और लैपटॉप जैसे उपकरणों के माध्यम से बॉब वुलमर ने क्रिकेट कोचिंग में एक नई क्रांति ला दी। बॉब वुलमर के यूनिक और डिफरेंट कोचिंग स्टाइल से साउथ अफ्रीकन टीम को भी बहुत फायदा हुआ और साल 1995 में अफ्रीकन टीम विश्व क्रिकेट में बाकी टीमों को डोमिनेट करते हुए नजर आने लगी। साउथ अफ्रीका के बाद बॉब वुलमर की क्रिएटिव और एडवेंचर्स कोचिंग कला को देखते हुए आईसीसी ने वुलमर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। साल 2001 में आईसीसी ने बॉब वुलमर को केन्या, नामीबिया और नीदरलैंड जैसी क्रिकेट टीमों के क्रिकेट स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए एक क्रिकेट कोच के तौर पर नियुक्त किया और 18 महीने इन टीमों के साथ खून पसीना बहाने के बाद आखिरकार बॉब वुलमर को अपनी मेहनत का प्रतिफल मिल गया। साल 2003 में आयोजित हुए क्रिकेट विश्व कप में इन सभी एसोसिएट नेशंस की टीमों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। खास तौर पर केन्या क्रिकेट टीम ने तो 4 जीत के साथ ग्रुप बी में दूसरे स्थान को कब्जा कर कोच वुलमर की ख्याति में 4 चांद लगा डाले। अपनी कोचिंग कला से पूरे विश्व क्रिकेट में सुर्खियां बटोरने के बाद वह वुलमर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हेड कोच के रूप में जुड़ गए और पाकिस्तानी बॉब वुलमर के कोचिंग करियर की आखिरी टीम साबित हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉब वुलमर के मार्गदर्शन में निरंतर बेहतरी की ओर बढ़ती गई। बॉब वुलमर की कोचिंग टेक्निक्स के साथ पाक क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी क्रिकेट टीम के सामने लगातार अच्छा होता चला गया। हालांकि बॉब वुलमर की कोचिंग के अंतर्गत पाकिस्तान टीम नई नई ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर मीडिया के हवाले से कोच वुलमर और पाक खिलाड़ियों के बीच चल रही नोकझोंक सामने आती रहती थी। जयपुर टेस्ट के बाद तो मीडिया ने यह भी दावा किया था कि टीम बस में वुलमर और शोएब अख्तर के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। मीडिया के हवाले से शोएब अख्तर के द्वारा वुलमर को थप्पड़ मारने की बात भी की गई, लेकिन इन सब बातों को खिलाड़ी और कोच मीडिया के सामने आकर नकारते चले गए। बॉब वुलमर की कोचिंग कला के मार्गदर्शन में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन घर में भी निरंतर बेहतर होता चला गया। घरेलू मैदानों पर लगातार एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण सीरीज जीतकर पाकिस्तान टीम पूरे विश्व क्रिकेट में खतरनाक यूनिट के रूप में उभरती चली गई। पाकिस्तान टीम की सामूहिक सफलता के बाद भी कोच वुलमर की कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स से निरंतर अनबन होती ही रहती थी। इस दौरान कोच वुलमर के द्वारा कही गई एक लाइन को भी अखबारों ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। वुलमर ने कहा था कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी प्ले से ज्यादा प्रे पर ध्यान देते हैं। वुलमर के द्वारा इमरान खान और जावेद मियादाद पर साजिश के इल्जाम भी लगाए गए, पर इसके बावजूद भी वर्ल्ड क्रिकेट में खबरें दबी रह गयी। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच ही जनवरी 2007 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीकाई दौरे पर गई। इस दौरे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल के हर मामले में साउथ अफ्रीकन डिपार्टमेंट से पीछे नजर आई। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीकाई टीम से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस दौरे के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज में आयोजित साल 2007 वर्ल्ड कप में शिरकत की और यहां भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लचर प्रदर्शन जारी रहा। पाकिस्तान टीम अपने नवे मैच में आयरलैंड जैसी कमजोर टीम से हारने के बाद वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पूरी तरह
बाहर हो चुकी थी। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों के बीच वर्ल्ड कप का उत्साह पूरी तरह खत्म हो चुका था। 17 मार्च 2007 के दिन आयरलैंड से हारकर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम किंगस्टन में स्थित अपने होटल पेगासस लौटी। मैदान से होटल तक के अपने सफर में टीम के किसी भी मेंबर की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। होटल पहुंचने के बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने कमरे में चुपचाप ही चले गए। बॉब वुल्मर भी कमरा नंबर 374 में बिना किसी से बात किए हुए सीधे चले गए। पूरी रात होटल के गहरे सन्नाटे में कट गई और जब सुबह हुई तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कमरा नंबर 374 के सामने पुलिस और अधिकारियों का जमावड़ा था और बाथरूम में पड़ी थी कोच वुल्मर की लाश। कैसे हुई वुल्मर की मौत? आखिर एक रात में कहानी कैसे बदल गई? क्या यह मर्डर था या सुसाइड? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर लाए हैं आपके फायदे की जानकारी। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि आज के बिजी शेड्यूल में किसी नए काम के लिए समय निकाल पाना कितना मुश्किल है, और हम मिडिल क्लास लोगों को एक सेविंग अकाउंट की जरूरत तो पड़ती ही है। ऐसे में अपने बाकी जरूरी कामों को छोड़कर बैंक में लाइन लगाकर अकाउंट खुलवाना कितना कठिन काम है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा ऐप जिससे घर बैठकर आपका सेविंग अकाउंट भी खुल जाएगा, फ्री एटीएम भी मिलेगा और 300 रुपए भी मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस ऐप का नाम है यफाई मनी। एक ऐसा ऐप जिस पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ साथ बैंकिंग की भी पूरी सुविधा मिलती है। यह सैलरी उठाने वाले लोगों के लिए नियो बैंक यफाई की ओर से एक बड़ी पहल है। आपके समय की कीमत को समझते हुए नियो बैंक ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी कर ऐसे सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है जिसे महज 3 मिनट में खोला जा सकता है, और वो भी घर बैठकर। इस ऐप के जरिए आप बैंकिंग से जुड़ी लगभग हर सर्विस का लाभ तो उठाते ही हैं, साथ ही अपने जमा किए हुए पैसों पर ब्याज के अलावा पैसे बचाने के लिए रिवार्ड भी पाते हैं। और एक खास बात, यफाई मनी ऐप के यूजर किसी भी वक्त अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपना हिसाब ऑनलाइन देख सकते हैं, साथ ही बिना किसी रुकावट के आरडी और एफडी भी खोल सकते हैं। अब सवाल ये कि 300 रुपए कैसे मिलेंगे? वो ऐसे कि अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो 50 रुपए तुरंत आपके पेटीएम वॉलेट में चले जाएंगे, और यदि आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम 5,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 250 रुपए का आपको कैशबैक भी मिलेगा। है ना कमाल का ऐप? समय की बचत, फ्री एटीएम और 300 रुपए। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए, यफाई मनी ऐप को डाउनलोड करिए और मौके का फायदा उठाइए। और अगर आपको नहीं पता है कि यफाई ऐप कैसे डाउनलोड करें, इस पर अकाउंट कैसे खोलें, तो आप हमारे एक दूसरे चैनल बिज टॉक्स पर जा सकते हैं। वहां हमने बहुत ही डिटेल से यफाई मनी ऐप के बारे में बताया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वुल्मर की लाश पर चोट के निशान थे और उनकी नाक से खून भी निकला हुआ था। शुरुआती मेडिकल जांच में ही जमाइकन लोकल प्रशासन ने बॉब वुल्मर की मौत को मर्डर घोषित कर दिया। बॉब वुल्मर के मर्डर की खबर जैसे ही वर्ल्ड मीडिया द्वारा चलाई गई, पूरे क्रिकेट जगत में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लौटने से रोक दिया गया और इस मर्डर मिस्ट्री में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेन सस्पेक्ट के रूप में देखा जाने लगा। होटल में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली गई, लेकिन फोटोज के ब्लर होने के कारण बस इतना ही समझ आया कि रात में एक लंबे कद का व्यक्ति और एक छोटे कद का व्यक्ति बॉब वुल्मर के कमरे के सामने से गुजरा है। और आनंद फानन में इन तस्वीरों को लंदन भेजा गया और एडवांस तकनीकी का सहारा लेते हुए इन दोनों व्यक्तियों की पहचान की गई। रात को वुल्मर के कमरे के सामने गुजरे दो व्यक्तियों में थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इंजमामुल हक और बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद। इसके बाद से ही दोनों से पूछताछ का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ और पूछताछ में सामने आया कि रात को बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद 2 शैंपेन की बोतल्स लेकर कोच बॉब वुल्मर के कमरे में गए थे, जिसके बाद जांच में जहर देकर मारने का एंगल भी जोड़ा गया। लंबी जांच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को पाकिस्तान वापसी का मौका तो दे दिया गया, लेकिन वुल्मर की मौत अभी भी एक अनसुलझी पहेली ही बनी हुई थी। कुछ दिनों चली तफ्तीश के बाद किंगस्टन प्रशासन ने वुल्मर की मौत को हार्ट अटैक करार दिया। हालांकि बॉब वुल्मर की पत्नी गिल वुल्मर हार्ट अटैक को मौत का कारण मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनके द्वारा बार बार किंगस्टन प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। बॉब वुल्मर की पत्नी के अनुसार वुल्मर फिक्सिंग पर एक किताब लिखने जा रहे थे जिसमें बहुत सारे नामी क्रिकेट सितारों के वर्णन की आशंका थी। फिक्सिंग से जुड़े पाकिस्तान क्रिकेट के भी कई राज बॉब वुल्मर अपनी इस किताब में उजागर करने वाले थे, और जांच में आई कई थ्योरीज के हिसाब से बॉब वुल्मर की यही किताब उनकी मौत की वजह बनी। बॉब वुल्मर की मौत के 14 साल बाद भी उनकी मौत एक रहस्यमय उलझी पहेली बनी हुई है, और इस पहेली के सभी पात्र आज भी अपने शुरू और अंत के पहलुओं में
उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट जगत से जुड़ी यह थी वह वोल्मर की अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।